हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और आज मैं एक सेशन लेके आई हूँ जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कंप्लीट प्रिपरेशन की जानी चाहिए कॉमर्स में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं। एज यू ऑल नो, आरपीएससी ने हाल ही में वैकेंसी निकाली है, पोस्ट निकाली है, और 227 पोस्ट कॉमर्स में निकली हैं जो तीन डिफरेंट डोमेन्स में बाइफर्केटेड है, एबीएसटी, ईएफएम और बीएडीएम। तो आप सभी स्टूडेंट्स किसी ना किसी डोमेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए, कितना बड़ा सिलेबस है, कैसे इतने वास्ट सिलेबस को कवर किया जा सकता है, 3 महीने का हमारे पास समय है, तो क्या क्या चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं इस टाइम पे एक स्मार्ट वे में प्रिपेयर करने में, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है हमारे साथ, तो मेरा नाम है आयुषी, हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेके आती हूँ, और जिससे आपको हेल्प मिलती है और अच्छे तरीके से आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें कवर करते हैं। एंड पीडीएफ में सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ, जो सेम नेम कॉमर्स स्पॉटलाइट से ही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा पे एडुकेटर हूँ, जहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 की आपकी तैयारी करवाई जाती है, नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को। वहां पे भी कोर्सेज रन कर रहे हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके लिए काफी चीजें प्रोवाइड की जाती है, लाइक डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ आपको वहां से मिल जाती है, काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, एक वे बताते हैं कि कैसे आप नेट के लिए, सेट के लिए या इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है कि किस तरीके से आप और अच्छे से किसी एग्जामिनेशन को अप्रोच करके और जो डिफरेंट एरियाज हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपके लिए हेल्पफुल होती है। कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग ऐप, आप कुछ जानना चाहते हो, तो 2 नंबर हैं आपके पास, स्पॉट नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हो, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं उनको आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, अब 3 महीने हैं, क्या प्लान हमारा होना चाहिए? सिर्फ 3 महीने कहने को लगता है कि बहुत थोड़ा सा समय है, बट क्या ये 3 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बट एक स्मार्ट अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। किसी भी एग्जामिनेशन को, स्पेशली कंपेटिटिव एग्जामिनेशन को जब आप अप्रोच करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, ये चीजें नहीं देखनी। पढ़ना तो है ही है, वो तो आपका मेन टारगेट है ही है, बट कैसे आप पढ़ोगे ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, वो चीज समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं जब भी आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो। सबसे पहली चीज रहती है सिलेबस को गो थ्रू करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज रहती है लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी, ये भी बहुत मायने रखता है, सो दैट आप उसी डायरेक्शन में प्रिपेयर कर सको। तीसरी चीज, सोर्सेज क्या होंगे जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा मैटर करेगा, अच्छा सोर्स होगा, रेलिवेंट सोर्स होगा, तो आपको कम समय में ज्यादा चीजें कवर करते हुए दिखाई देंगी, कवर कर पाओगे आप बहुत अच्छे से। अगर सोर्स सही नहीं होगा तो शायद कम समय में ज्यादा तैयारी ना हो पाए, और जिस वजह से आपको वहां पे नुकसान हो सकता है, आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप स्मार्ट तरीके से कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे जब लास्ट ईयर कट ऑफ आप देख लोगे, तो उसके बाद जब सोर्सेज की बात आती है, तो सोर्सेज में डिपेंड करता है क्या क्या चीजें, कि पीवाईक्यूज आप कहाँ से लगा रहे हो, कितने लगा रहे हो, और क्या किस तरीके से लगा रहे हो, क्या सिर्फ पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हो, डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। और क्या बुक्स आप रेफर कर रहे हो, वो आपको हेल्प करेंगी, और जो बुक्स हैं वो कौन सी होनी चाहिए, ये डिसीजन आपको बनाना होगा, और अच्छे बुक्स आपको लेनी होंगी प्रिपरेशन करने के लिए, सो दैट आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। और फिर इसके बाद एक चीज हमें जो देखनी है वो ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही एनालाइज करना है, और यहाँ पे क्या चीज समझनी है कि पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितना आपके पास समय है, टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है, 1 मिनट में कितने क्वेश्चन करने का समय आपके पास है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी होंगी, क्योंकि 3 पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। जो पेपर 3 होगा वो आपका जनरल पेपर रहेगा, ठीक है, सबके लिए कॉमन होगा, बट पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और पेपर 1 भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अब मैंने यहाँ पे बात की, 3 डोमेन रहती है, एबीएसटी, ईएफएम एंड इसके साथ साथ बीएडीएम, तो तीनों का ही जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल सही बात है, तीनों में ही डिफरेंट सिलेबस होगा। अब एबीएसटी है तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, पेपर 1 की अगर बात की जाए तो अकाउंटिंग आपसे पूछी जाती है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, देन इसके बाद पेपर 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टैक्सेशन आता है, टैक्सेशन के साथ साथ यहाँ पे स्टैट्स भी आपसे पूछी जाती है, तो ये 2 पेपर बनते हैं, 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 75 मार्क्स का एक पेपर होगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा है, और टाइम पीरियड 2 आवर्स का है आपके पास,
तो कैसे 2 आवर्स में 150 क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, वो चीजें भी आपको समझनी होगी। और ये चीजें आपको कैसे हेल्प करेंगी, जब आप PYQs को सॉल्व करोगे एंड साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, उससे आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। फिर EFM की बात की जाए तो EFM में क्या होता है, इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो, बैंकिंग पढ़ते हो एंड साथ ही साथ फाइनेंस पढ़ते हो। तो ये 3 मेजर डोमेन्स हैं जो आपको पढ़नी होती हैं EFM में। फिर इसके बाद आता है BADM। BADM में हम क्या पढ़ते हैं, HRM, OB, मार्केटिंग, इसके साथ साथ लीगल, इसके साथ साथ हम बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं BADM में। अब इनका सिलेबस बहुत वास्ट है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस शेयर किया हुआ है, न्यू सिलेबस अभी तक अपडेट नहीं हुआ वेबसाइट पे, बट मोर और लेस पुराना सिलेबस जो है वही रहेगा। तो उसको आप देख के अपना स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। तो स्टार्ट जब आप करोगे तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, जब भी आप प्रिपेयर करते हो ना तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हमने बात की कि कट ऑफ पता होनी चाहिए, लेवल पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए एंड किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेमिंग होती है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और सोर्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वन बाय वन बात करते हैं कि कैसे ABST के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ABST की अगर बात करूँ मैं तो 2 पेपर होंगे, अकाउंटिंग ऑडिटिंग और टैक्सेशन और स्टैट्स का। तो यहाँ पे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जब टॉपिक आप कवर करोगे तो अकाउंटिंग के लिए आपको 3 टाइप की अकाउंटिंग पढ़नी होती है, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपको क्या करना है, जो सोर्स आपको होना चाहिए वो सोर्स क्या है, UGPG की जो बुक्स है ना वो सबसे बेस्ट सोर्स है। और इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से कवर करना है तो ICAI का मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए। एंड बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं क्लासेस में, तो आप उनको देख सकते हो, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप टॉपिक्स को सर्च करो, टॉपिक्स को रिवाइज करो। तो इस तरीके से आप सोर्स चूज कर सकते हो। फिर इसके बाद टैक्सेशन और स्टैट्स की जहाँ तक बात है तो इसमें भी इसी तरीके से डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पूछा जाएगा। टैक्सेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रोविजंस, रेट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, डिडक्शंस की अमाउंट पूछी जाती है, मीनिंग पूछे जाते हैं, टर्म्स का मीनिंग क्या है स्पेशल वो पूछा जाता है। तो वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और वही आपको यहाँ पे समझने होंगे। स्टैट्स में हम बिजनेस स्टैट्स में जो चीज़ें होती है वो हम पढ़ते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। साथ ही साथ रिसर्च के जो मेथड्स हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ते हैं। तो जो भी रिसर्च करते हुए सारी चीज़ें होती है वो रिसर्च की प्रोसेस कंप्लीट आपको पढ़नी है, और कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करती है, किस तरीके से पूरे किए जाते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, कितने टाइप्स ऑफ रिसर्च है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। तो अगर मैं बात करूँ ना नेट एग्जामिनेशन की, जब आप प्रिपरेशन करते हो, ऑब्वियसली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हो तो नेट तो क्लियर किया ही होगा। तो जो सिलेबस रहता है ना वो मोर और लेस सेम ही है, कुछ चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा हैं, वो क्या है, वो बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको UGPG की बुक्स में मिल जाएंगी। फिर इसके बाद EFM की बात की जाए तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और फाइनेंस है। तो यहाँ से जो करंट चीज़ें पूछे जाने के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं, जैसे यहाँ पे टैक्सेशन है तो यहाँ पे बैंकिंग है जहाँ से करंट के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, इकोनॉमिक्स में काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, फाइनेंस में भी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, और फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें जो कवर की जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट हम 3 डिसीजंस लेते हैं, इन्वेस्टिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन, तो वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरीज के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैथ्स का कॉलम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और वो सारे क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो तो लेवल थोड़ा सा इजी रहता है नेट के कंपैरेटिवली, बट यस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं तो आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, और हाफ नंबर का एक क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। फिर इसके बाद आता है BADM। तो BADM में भी क्या है, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है सिलेबस में टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलिए, टॉपिक वाइज कवर करते हुए फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं वो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। PYQs को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि PYQs आपको एक बेस देते हैं कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अपने आप से आप कुछ भी क्वेश्चंस बना सकते हो बट वो रेलिवेंट है या नहीं वो चीज़ चेक करने के लिए PYQs को एनालाइज किया जाता है। PYQs को एनालाइज करो, टॉपिक देखो, टॉपिक के साथ साथ ये देखो कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, देन उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाओ, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की फ्रेमिंग भी उसी तरीके से रखी जानी चाहिए जिस तरीके से आपसे PYQs में पेपर पूछा गया, ठीक है, उसी तरीके से पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा सो दैट आप तैयारी उस लेवल की कर सको कि हाँ मुझे 75 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो कैसे कितने टाइम में मुझे ये करने हैं, 2 आवर्स का समय है मेरे पास तो 2 आवर्स में मैं कैसे बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लूँ, वो सारी चीज़ें भी हमें सीखनी होगी। तो ये चीज़ें आपको लेवल से ही पता लगती हैं, PYQ एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फिर एक बात आती है कि कट ऑफ क्या है, अगर आपको पता है कि लास्ट ईयर जो रिटर्न की कट ऑफ गई थी 200 में से 130 मार्क्स पे गई थी
तो आपका इस बार ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे 150 प्लस ही स्कोर करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 150 प्लस स्कोर करोगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप रिटन अच्छे से क्वालिफाई करके इंटरव्यू क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हो, क्योंकि 24 मार्क्स इंटरव्यू पे होते हैं। और ये जो इंटरव्यू है इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे ये आपकी मेहनत पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस टाइम इंटरव्यूअर जो है उनका क्या मूड है, वो आपको कितने मार्क्स दे रहे हैं। तो आप जो मेहनत कर सकते हो ना वो रिटन एग्जामिनेशन में कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हो उतने क्वेश्चन सही करने की आपको कोशिश करनी है। और यहाँ पे जो चीज़ हेल्प करेगी वो क्या करेगी, पेपर वन पेपर टू तो है ही, बट पेपर थ्री यहाँ पे मेन रोल प्ले करेगा। जिसने पेपर थ्री अच्छे से किया होगा उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि वो 40 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता है आउट ऑफ 50। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कैसे पेपर थ्री को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं पेपर वन और टू के साथ साथ, सो दैट आप बहुत अच्छे तरीके से रिटन क्वालिफाई कर ले। रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के अगर आपको कम से कम मार्क्स भी मिल रहे हैं स्टिल आप उस कैटेगरी में लाई करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान है जो रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई होगा। ऐसा नहीं है कि 227 पोस्ट आई हैं तो सिर्फ 227 बच्चे ही कम्पीट करेंगे, शायद 200,000 बच्चे कम्पीट करें कॉमर्स में, तो उनमें से आपको टॉप 227 स्टूडेंट्स में आना है। तो आपको मेहनत भी उसी अकॉर्डिंग करनी होगी, रिटर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। कट ऑफ मैं आपको अगर आइडिया दूँ तो आप अगर इस बार 150 टारगेट रखते हो तो ये टारगेट आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और इसी टारगेट को अचीव करने की हमें कोशिश करनी है, क्योंकि कट ऑफ लगभग इतनी ही गई थी। डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिफरेंट कट ऑफ होती है, तो जर्नल की बात मैं अगर करूँ तो 150 ही आप टारगेट लेके चलो। 150 टारगेट होगा तो 120-130 तक पहुँच पाओगे, और जब वहाँ तक पहुँचोगे तो ही आपके लिए अच्छा स्कोर रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू भी होगा इसके बाद, तो रिटर्न और इंटरव्यू दोनों को मिला के ही आपका स्कोर है जो फाइनलाइज होता है। तो इस चीज़ की हमें यहाँ पे जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है वो समझनी होगी। स्मार्टली अप्रोच करना होगा, स्मार्टली अप्रोच आप PYQs के थ्रू ही कर सकते हो, और जो टॉपिक्स आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स पे कमांड बना के आप ये चीज़ें हैं जो कर सकते हो। क्लियर, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और पेपर थ्री को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स कि जो जर्नल पेपर है उसको छोड़ देते हैं, बट जर्नल पेपर ही है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो जर्नल पेपर पे भी एफर्ट्स करते जाने हैं, डेली एक एक दो दो घंटा पढ़ते जाओ, और जो जो चीज़ें हैं उनको बस आपको याद करना है, और वही चीज़ें याद करी हुई आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो पेपर वन पेपर टू पे कमांड रखने के साथ साथ पेपर थ्री को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, यही चीज़ डिस्टिंक्शन क्रिएट करती है आपके सिलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी सबसे पहले कि वो क्या है, सिलेबस। तो सिलेबस आप गो थ्रू करिए, जो जो चीज़ें सिलेबस में लिखी गई हैं ए टू जेड उनको आपको कवर करना है। कवर कैसे करना है, टॉपिक का नाम लिख लो, टॉपिक आता है तो ठीक है टिक मार्क करिए, टॉपिक नहीं आता तो उसको सर्च करो किस टॉपिक में है क्या। सर्च करने के बाद आपको कुछ ना कुछ मटेरियल तो मिलेगा ना, उस मटेरियल को पढ़ना स्टार्ट करो। UGPG की बुक्स हैं उनमें जो मटेरियल है उसको पढ़ना स्टार्ट करो, वो आपके लिए बेस्ट है। और मैं ये सजेस्ट करूंगी जो आपके पेपर होते हैं ना उनमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी काफी होता है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में ना थोड़ा सा समय तो लगेगा उसको समझने में, बट जब आप समझ जाओगे तो उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी और जो क्वेश्चंस बने हैं ना वो बहुत इजीली आप क्रैक कर लोगे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी ध्यान देना है, काफ़ी बच्चे न्यूमेरिकल पोर्शन को नहीं करते। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, टैक्स, अकाउंटिंग, स्टैट्स, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो इनको आपको अच्छे से करना है। और जो ABST डोमेन्स हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा स्कोप है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो इन्हीं पर ही फोकस करके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चन पे बेस्ड जो थ्योरी है फिर उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। BA DM है, इसमें थ्योरीज बहुत ज़्यादा होती है, मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, तो उन थ्योरीज को, उन मॉडल्स को आपको याद रखना है ताकि आप पेपर में इजीली क्रैक कर सको। लीडरशिप है, मोटिवेशन है, जितने भी इनकी थ्योरीज हैं उनको अच्छे से याद कर लो। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं उनको याद कर लो। डिफरेंट जो भी थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उनको याद कर लो, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से आपको डिटेल में पढ़ते हुए चलना है, और डेली क्या काम करना है, डेली अपना टारगेट सेट करना है। और वो टारगेट क्या है कि मुझे जो मेरा पूरा का पूरा सिलेबस है 3 महीने अगर मेरे पास है तो 2+1 में उसको डिवाइड करना है। 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, सिलेबस कवर करना है सारा। ठीक है, और ये जो 1 मंथ है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी रिविजन होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आप कितना पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप पढ़ी हुई चीज को कितनी बार रिवाइज करते हो वो मैटर करता है। तो कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन आपकी हो जानी चाहिए। तो सिलेबस कवर करो जल्दी जल्दी, बायफर्केट कर लो कि हाँ इतना इतना टॉपिक मुझे हर दिन करना है, सो दैट 2 महीने तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3
फिर उसके बाद एक महीना जम के रिविजन करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्या करो, क्वेश्चंस कलेक्ट करो, क्वेश्चंस कलेक्ट करके टाइम सेट करके क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करो। टाइम मैनेज करना सीखना है ना, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आज के टाइम पे अब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के नोट्स बना रहे हो ना, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, बट कंसेप्ट पढ़ के नोट्स बना रहे हो प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और सिलेक्शन आपका गारंटीड हो जाएगा। ये चीज़ की मैं श्योरिटी दे रही हूँ, बट एफर्ट्स उतने ही अच्छे से ईमानदारी से करने पड़ेंगे, लग के पढ़ना पड़ेगा। 3 महीने 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो सो दैट आप अच्छे तरीके से सिलेबस कवर करके रिविजन अच्छे से कर सको। तो यही चीज रहेगी प्रिपरेशन में। 3 महीने बहुत इनफ टाइम है, 180 दिन बहुत होते हैं, तो इसी चीज पे हमें काम करना है। और इंटरव्यू में बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, तो बेसिक्स टू एडवांस आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एडवांस टॉपिक स्टार्ट कर लो, नहीं, सबसे पहले बेस क्लियर करो, बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए एडवांस टॉपिक्स पे जंप करो, सो दैट आपको जो एडवांस टॉपिक में बेसिक्स पूछे जाएंगे ना, उनसे हेल्प से, उनकी हेल्प से आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। रीडिंग हैबिट को डेवलप करिए, यही चीजें आपको हेल्प करती हैं। और बुक्स जो रेफर करनी है उनके लिए वीडियो बनाई हुई है स्पेशल, तो बेस्ट बुक्स वही रहेंगी जो आप फॉलो करोगे। मैंने बताया कि आरपीएससी में एपीएसटी, ईएफएम और बीएडीएम के लिए आप कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हो, वो बुक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू संडे हमारी क्लासेस रहती हैं, मैं और योगेश सर दोनों टीचर्स आपके लिए कोर्स लेके आ रहे हैं कंप्लीट कॉमर्स के लिए और तीनों डोमेन्स के लिए, सो दैट कोई भी पर्सन है जो कॉमर्स से पेपर देना चाहते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसकी तैयारी में कुछ भी कमी ना रहे। तो इसी चीज के लिए जेआरएफ अड्डा ने डिसाइड किया अपनी टीम ने कि आपके लिए एक यूट्यूब बैच लॉन्च किया जाए जिसमें 3 महीने हम लगातार क्लासेस लें और अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलें, यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को कवर करें विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पेपर में तो क्वेश्चंस ही लगाने हैं, तो उसी की तैयारी हम कर लें तो वो चीज ही हमारी एक स्ट्रेटेजी रहेगी, किसी तरीके से हम फॉलो करें और सिलेक्शन की तैयारी हम कर सकें। तो जुड़िएगा, शाम को 6 बजे मेरी क्लासेस रहती हैं, 7 बजे योगेश सर की क्लासेस रहती हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लेलिस्ट विजिट जरूर करिए, इस प्लेलिस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व किए ही हैं बट साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने कवर किए हैं, तो यूनिट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सर्च करो, हर एक चीज को समझो, जो टॉपिक करवाए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में कवर करते हुए चलो, सो दैट आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से समझ सको, क्लियर। तो पेपर 2 पेपर 1 के लिए आपको कॉमर्स में बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे मिल जाएगी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और भी क्लासेस जो हमारी हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी तैयारी करने में, ठीक है। और अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे बैच रन कर रहा है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हैं, ₹12,000 फीस है। 7 जुलाई से बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप अब एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। और अगर केवल पेपर 1 या पेपर 2 लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार आपको जो सुटेबल लगता है कोर्स वो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। फीचर्स आपके सामने हैं, अपडेटेड कंटेंट रहता है, बाइलिंगुअल क्लासेस, डाउट सपोर्ट, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स मिलते हैं सो दैट आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सको। और रिकॉर्डेड प्लस लाइव हमारी क्लासेस रहती है, रिकॉर्डिंग्स में हम कंसेप्ट कवर करते हैं, लाइव क्लासेस में आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन है जो लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो, नेट या सेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा उन सभी के साथ जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करना चाहते हैं और उनको ये हो रहा है कि 3 महीने में कैसे प्रिपरेशन होगी, तो बस टाइम डिवाइड करके टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हुए चलिए। आपको जो टॉपिक टफ लगता है उसको थोड़ा पहले कोशिश करो स्टार्ट करने की, सो दैट समय आपके पास अप्रोप्रिएट हो, आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सको, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और ऑल नोटिफिकेशन पे बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर सकते हो, क्योंकि अब सिर्फ मैं नहीं, आप हमारे साथ योगेश सर भी जुड़े हैं, तो हम दोनों मिलके आपकी तैयारी को एक लेवल अप लेके जाने की कोशिश में है कि किस तरीके से हम सिलेक्शन की तैयारी है जो कर सकते हैं कॉमर्स से। तो कॉमर्स स्पॉटलाइट को आप सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, जम के तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शन वाली तैयारी करिए। बाय बाय।